अबे वो रैम्बो का बाप है, टर्मिनेटर का चाचा है, रॉकी का दादू है, ब्रूस लीका नाना है, लास्ट एक्शन हीरो है वो। सलमान खान की राधे की रिलीज एक बार फिर से टल सकती है, इस बारे में सल्लू भाईजान ने क्या कहा, क्या होने वाली है राधे की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रास स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाल। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अगर मौजूदा रफ्तार से बढ़ती रही तो सलमान खान की राधे यो मोस्ट वॉन्टेड भाई इस साल में रिलीज नहीं हो पाएगी। ईद में उन्होंने कमिटमेंट किया था और उन्होंने कहा था कि ईद पर ही आएगी, और साथ ही एक डायलॉग अपने वॉन्टेड फिल्म का दोहराया था कि अगर मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। लेकिन अब लगता है कि भाईजान को अपना यह डायलॉग वापस लेना पड़ेगा। आपको बता दें, सलमान खान 13 मार्च को अपनी फिल्म राधे यो मोस्ट वॉन्टेड भाई की रिलीज डेट की तारीख ऐलान कर चुके हैं। ऑलरेडी 13 मई को रिलीज होनी है, लेकिन महाराष्ट्र समेत देश के तमाम दूसरे राज्यों में कोरोना से बिगड़ते हुए हालात देखते हुए फिल्म की रिलीज स्थगित होने की आशंका दिखने लगी है। अभिनेता कबीर बेदी ने इस संबंध में एक किताब के कवर का विमोचन करने के दौरान सलमान खान ने ये संकेत दिए थे, और उनकी फिल्म राधे यो मोस्ट वॉन्टेड भाई की रिलीज अगले साल की ईद तक खिसक सकती है। सलमान खान का कहना था कि लोगों ने अगर सावधानी बरती तो कोरोना के केसों के बढ़ने की तादाद थमी, तभी जाकर हम इस फिल्म को रिलीज करेंगे और सिनेमा घरों तक ये फिल्म पहुंच पाएगी। वहीं सलमान खान ने इस दौरान कहा कि हम अभी भी अपनी तरफ से राधे यो मोस्ट वॉन्टेड भाई को इसी ईद पर रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर लॉकडाउन जारी रहा तो हो सकता है कि हमें इसे अगली ईद तक आगे खिसकाना पड़े। लोगों ने अगर अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, वो मास्क पहनने लगे, सामाजिक दूरी का पालन करने लगे, तो ये दूसरी लहर भी जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। अगर हालात काबू में रहे तो हम फिल्म राधे यो मोस्ट वॉन्टेड भाई को इसी ईद पर सिनेमाघरों में रिलीज़ कर सकते हैं। इस दौरान सलमान खान ने लोगों की लापरवाही पर भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि अगर देश के लोग सरकार के बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं, कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों पर ध्यान नहीं देते तो कोरोना के मामले बढ़ते जाएंगे। ये समस्या सिर्फ थिएटर मालिकों की ही नहीं, इससे वो लोग भी प्रभावित होंगे जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। ऐसा हुआ तो ये पहली लहर की तरह काफ़ी ख़राब होने वाला है। बीते साल सलमान खान की कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। कोरोना संक्रमण काल के दौरान वो अपने पनवेल स्थित फार्म म्यूजिक वीडियोस और गाने बनाते रहे। फिर वो बिग बॉस में नज़र आए और फिर उनकी जो बाकी उनकी तैयारियां चलती रही। लेकिन अब अगर भाईजान ने साफ संकेत दे दिए कि अगर कोविड के कारण बढ़ता है लॉकडाउन तो ये फिल्म नहीं रिलीज़ होगी इस साल। ऐसे आप कितना वेट कर रहे हैं इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को।